बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। तो दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म पठान, जिसकी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, और इस फिल्म के लिए दोस्तों ऑडियंस के बीच में भयंकर वाला और धमाकेदार वाला क्रेज देखने को मिल रहा है। सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन स्टारर इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2022 में रिलीज किया जाना है। इसमें विलन के तौर पर आपको बॉलीवुड के हैंडसम हांग जॉन अब्राहम नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिस पर लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और दोस्तों, इस फिल्म की लगभग 50% से ज्यादा शूटिंग भी खत्म हो चुकी है। इस फिल्म में दोस्तों सिर्फ आपको एक्शन ही नहीं बल्कि बेहतरीन पंची डायलॉग्स, बेहतरीन मास सॉन्ग्स और साथ ही में दोस्तों देशभक्ति भी देखने को मिलने वाली है। इसमें दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर होने वाला है, और विलन के तौर पर दोस्तों जॉन अब्राहम इस फिल्म में इन तीनों ही को अकेले टक्कर देते हुए नजर आएंगे। बात करें अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर पठान की, दोस्तों पठान के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग तो दुबई में हुई है और विदेशों में हुई है, लेकिन दोस्तों फाइनली अब इस फिल्म की शूटिंग को यशराज स्टूडियो में किया जा रहा है। और दोस्तों इस फिल्म का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान के इंट्रो के लिए एक बेहतरीन मास सॉन्ग को प्रिपेयर किया जा रहा है। दोस्तों इस फिल्म के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान का जो इंट्रो रहेगा उससे सुपरस्टार शाहरुख खान की अब तक की सबसे बेस्ट एंट्री इस फिल्म में दिखाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के टीजर को लेकर भी एक अपडेट है, वो यह दोस्तों कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट जल्द ही होने वाली है, जिसमें सुपरस्टार शाहरुख खान और जॉन अब्राहम दोनों के ही बीच में बेहतरीन फाइट करते हुए दिखाई जा सकती है। बता दें दोस्तों आपको कि इस फिल्म को यशराज बैनर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7,000 से 8,000 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही में दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में भी रिलीज किया जाएगा, जो कि सुपरस्टार शाहरुख खान के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी। इस फिल्म में दोस्तों आपको टाइगर जिंदा है के सुपरस्टार सलमान खान और वॉर के सुपरस्टार ऋतिक रोशन भी नजर आने वाले हैं। देखना यह होगा कि जिस तरह से दोस्तों इस फिल्म का क्रेज ऑडियंस के बीच में देखने को मिल रहा है, क्या सुपरस्टार शाहरुख खान की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल कर पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, पठान अगर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5,000 स्क्रीन पर क्रिसमस के मौके पर रिलीज होती है तो इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो कितना होगा? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।